हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन इंजीनियर इन टेलीकॉम सेक्टर, आई मीन मोबाइल टावर में जो इंटीग्रेशन इंजीनियर जो काम करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन इंजीनियर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई मीन वर्क है, और इनके करियर के बारे में भी जानेंगे। इंटीग्रेशन इंजीनियर का क्या करियर है और इंटीग्रेशन इंजीनियर का क्या सैलरी है इंडिया में, और क्वालिफिकेशन फॉर इंटीग्रेशन इंजीनियर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप एज इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। तो दोस्त, इंटीग्रेशन इंजीनियर क्या है? दोस्त, इंटीग्रेशन इंजीनियर जो है ये वर्क करता है मोबाइल टावर के लिए, जिसको हम लोग सेल टावर ही बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। और इंटीग्रेशन इंजीनियर जो है आपका फील्ड में भी, और फील्ड में भी आई मीन ऑन द फील्ड मीन्स ऑन टावर साइड पे भी काम कर सकता है, और रिमोटली इन द ऑफिस मतलब रिमोटली भी काम कर सकता है आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन इंजीनियर ड्यूटी इज टू अपडेट द सॉफ्टवेयर इन ऑल द हार्डवेयर विच इज यूज फॉर 2G, 3G एंड 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी। ही ऑल्सो वर्क फॉर डूइंग द कमिश्निंग एंड इंटीग्रेशन एंड ट्रबल शूटिंग इन 2G, 3G, 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी मशीन। मशीन मीन्स हार्डवेयर और टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो दोस्त, जैसा आप यहाँ पे जैसे मैंने लिख के यहाँ पे रखा है कि जो इंटीग्रेशन इंजीनियर होता है, ठीक है दोस्त, वो तो जैसे अगर आप एज इंटीग्रेशन इंजीनियर टेलीकॉम सेक्टर में ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, फील्ड पे भेज सकता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए साइट साइट को, या आप ऑफिस से भी रिमोटली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं साइट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हार्डवेयर जो होता है, जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं 2G, 3G, 4G, 5 टेक्नोलॉजी के लिए इन टेलीकॉम सेक्टर में, तो उस हार्डवेयर में आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है, और आपको कमीशनिंग करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करने के बाद अगर कुछ अलार्म आता है, अलार्म जनरेट होता है, तो आपको ट्रबल शूटिंग करके उसको रिजोल्व करना है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन इंजीनियर ये सब काम मतलब हम लोग करते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। अगर आप एज ए इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपको भी ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटीग्रेशन इंजीनियर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इंटीग्रेशन इंजीनियर का? तो जो आपका फर्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन इंजीनियर ऑफन प्लान, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल एज लेगेसी टेक्नोलॉजी। लेगेसी मतलब हो क्या, पुराना, और न्यू टेक्नोलॉजी आपका आने वाला, जैसे 5G में जो भी हार्डवेयर यूज करने के लिए जा रहा है या यूज करेगा, ठीक है, तो उसका प्लान और उसका डिजाइन, उसका इम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटीग्रेशन प्रोसेस मतलब कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन इंजीनियर अक्सर प्लान करते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से आपको प्लानिंग और डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना है इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है दोस्त। सेकेंड नंबर है आपका, इंटीग्रेशन इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग न्यू सोल्यूशन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा कि उसमें क्या मतलब किस तरह से मतलब प्लान करना है, किस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट के ही जैसा ये भी है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसको, ठीक है, जिस तरह से वो न्यू सोल्यूशन है उस तरह से आपको मतलब उसके बारे में जानना है, उसके बारे में काम करना है, उसके बारे में आपको उस टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट करना है, जो भी प्रोसेस उसको आपको करना है, ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको भी जानना है अगर ये इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो। थर्ड नंबर है आपका, इंटीग्रेशन इंजीनियर शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर यूज इन हार्डवेयर फॉर हार्डवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, ठीक है, इन टेलीकॉम सेक्टर में सॉफ्टवेयर हम किस में यूज करते हैं, हार्डवेयर के लिए यूज करते हैं, और हार्डवेयर किस लिए यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है हार्डवेयर के लिए,
फॉर टेक्नोलॉजी वाई, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए 2G टेक्नोलॉजी है, तो 2G के लिए जो हार्डवेयर यूज किया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर का आपको मालूम होना ज़रूरी है। 3G टेक्नोलॉजी है, 3G के लिए जो भी हार्डवेयर या इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, तो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आपका 4G का भी है और 5G का भी है। ठीक है, तो 5G में जो भी हार्डवेयर का यूज किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, तो जो जो भी सॉफ्टवेयर हम अपडेट करेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि किस तरह से उस सॉफ्टवेयर में हम लोग डेटा फिल करेंगे, उसमें पैरामीटर फिल करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे, कैसे उसमें अलार्म और ट्रबल शूटिंग करेंगे, कहाँ से अलार्म हमको देखना है, ठीक है, कहाँ से पिंग टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसका जो है आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका फोर्थ नंबर है, इंटीग्रेशन इंजीनियर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द पैरामीटर दैट आर यूज टू क्रिएट एक्सएमएल फाइल फॉर 2G, 3G, 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कमिश्निंग करते हैं, तो कमिश्निंग में जो भी पैरामीटर हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, कमिश्निंग जो है एक्सएमएल फाइल, ठीक है, कमिश्निंग हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक तो आपका एक्सएमएल फाइल हम ऑफलाइन बनाते हैं और उसके बाद अपलोड करके कमिश्निंग करते हैं, ठीक है, एक जो कमिश्निंग होता है हम मैन्युअली करते हैं, उसमें जो है हम एक्सेल में सभी पैरामीटर को एक जगह रखते हैं और जो है एक्सेल से पैरामीटर लेकर मैन्युअली फिल करके कमिश्निंग करते हैं। तो इसमें जो है इंजीनियर का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पैरामीटर रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू द साइट, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक्सेल फाइल क्रिएट करना है। आपको 2G के लिए भी करना है, 3G के लिए करना है, 4G के लिए करना है और 5G के लिए भी करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर 2G तो बहुत पुराना है, 3G भी बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है तो 2G और 3G, 4G एंड 5G, ठीक है, ये चारों टेक्नोलॉजी एक ही में मतलब यूज़ कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, जो भी जो पुराना ओल्ड हार्डवेयर है उसमें स्वैप करना पड़ेगा, तो आपको ओल्ड हार्डवेयर से न्यू हार्डवेयर में आपको लाना पड़ेगा 2G भी, तो आपको 2G के लिए भी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना है और 3G के लिए भी करना है, मतलब आपको ये चारों टेक्नोलॉजी के लिए करना है, क्योंकि चारों टेक्नोलॉजी अगर आपका एक ही आजकल देख रहे हैं, एरिक्सन में भी, नोकिया में भी ऐसा ऐसा हार्डवेयर यूज किया जा रहा है कि आप उसमें चारों टेक्नोलॉजी जिसे चला सकते हैं, तो ये चारों टेक्नोलॉजी का आपको जो है एक्सएमएल क्रिएट करना होगा, तो ये चारों टेक्नोलॉजी का क्या आईपी एड्रेस है, क्या वीलैन है, ये सभी पैरामीटर आपको ध्यान में रख के चेक करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज ए इंटीग्रेशन इंजीनियर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। फिफ्थ नंबर है आपका, इंटीग्रेशन इंजीनियर मस्ट हैव द नॉलेज टू रिजोल्व ऑल अलार्म ऑन साइट फॉर एनी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटीग्रेशन इंजीनियर है तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कमिश्निंग करना है और साइट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आई मीन ऑन एयर करना है, तो ऑन एयर करने के बाद जो भी अलार्म आता है या ड्यू टू अलार्म ऑन एयर आपका साइट नहीं हो सकता है, तो उसको कैसे रिजोल्व करना है आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस अलार्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप ट्रबल शूटिंग करके उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं, ये जरूरी है। सिक्स नंबर है, क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन इंजीनियर मस्ट हैव द नॉलेज टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टिल्ट इशू फॉर द साइट। अगर अगर कुछ इलेक्ट्रिकल टिल्ट और मैकेनिकल टिल्ट का यहाँ पे मैंने टाइल्स लिखा है, टिल्ट होना चाहिए, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टिल्ट का जो भी इशू है साइट पे, तो उसको आपको रिजोल्व करना है। ठीक है, आप प्लानर से भी बात कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिकल टिल्ट और मैकेनिकल टिल्ट का जो भी वैल्यू आप एक्सएमएल में डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितना वैल्यू डालना है एक्सएमएल में इलेक्ट्रिकल टिल्ट और मैकेनिकल टिल्ट का। ठीक है, ये सब चीज़ें हम उन लोग को इंटीग्रेशन इंजीनियर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन इंजीनियर मस्ट हैव कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज कमांड स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी एक्सएमएल में ही आता है, ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन है साइट पे 2G के लिए, 3G के लिए, 4G के लिए और 5G के लिए,
कमांड, कमांड आपको जब इंटीग्रेशन करेंगे उस समय आपको कमांड यूज करना है। स्क्रिप्टिंग वही हो गया आपका एक्सएमएल का, और कोडिंग आपको कोडिंग भी चेक करना है, ठीक है, फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें जो आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, आई मीन एट नंबर पॉइंट हो गया आपका, द इंटीग्रेशन इंजीनियर मस्ट हैव द नॉलेज टू वेरीफाई द कॉन्फिगरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नोड नेटवर्क एंड सिस्टम। आपको जो है वेरीफाई करना ही है दोस्त, मतलब क्या सा, मतलब कौन सा कॉन्फिगरेशन है वहाँ, ठीक है, तभी आप आई मीन इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी साइट को या किसी भी नोड को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपका नाइन नंबर है, इंटीग्रेशन इंजीनियर शुड हैव नॉलेज ऑफ एंड टू एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड माइग्रेशन वर्क फॉर द साइट। तो एंड टू एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। आपका लास्ट है टेन नंबर, इंटीग्रेशन इंजीनियर क्रिएट गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रोसेस सो दैट फ्यूचर मैनेजर एंड न्यू इंजीनियर नो हाउ टू सॉल्व माइनर मेजर क्रिटिकल इशू ऑन टावर। दोस्त आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आज एजे अगर एजे अगर आप इंटीग्रेशन इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो आपको एक जो है गाइडलाइन, आपको एक गाइडलाइन का एक डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है, और उसमें आपको लिखना है द वे ऑफ वर्क, मतलब किस तरह से आप काम करते हैं, मतलब क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं, आपको एवरी थिंग उसमें मतलब आपको मेंशन करना है, करना है, क्योंकि मतलब ये रूल है, ठीक है, सभी इंजीनियर लोग करते हैं, सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप रिजाइन देकर जाते हैं कंपनी को, तो जो भी न्यू इंजीनियर आता है या जो भी मैनेजर आता है, तो उस गाइडलाइन के थ्रू जाकर कुछ मतलब अंडरस्टैंड करता है, और जो मतलब काम है, जो वर्क है, प्रोसेस है, उसको समझता है, और मतलब ईजी जो है मतलब काम स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए एक ईजी रहता है, क्योंकि आपने एक गाइडलाइन तैयार कर दिया, तो गाइडलाइन देखकर वो अब मतलब काम को मतलब जल्दी ही मतलब स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। फिर है कैरियर फॉर इंटीग्रेशन इंजीनियर। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर कैरियर क्या है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर में। दोस्त देखिए, कैरियर है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर क्या है, ये मोबाइल सेक्टर है, ठीक है, और आपको पता है कि मोबाइल कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल पहले था रोटी कपड़ा मकान, अब क्या हो गया है मोबाइल रोटी कपड़ा मकान, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया। तो मोबाइल के बिना कोई आदमी रह भी नहीं सकता है, मोबाइल ज़रूरी है। अगर मोबाइल ज़रूरी है तो टावर ज़रूरी है, तो टावर ज़रूरी है तो हम लोग टावर पे हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है दोस्त, मतलब पहले था 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G भी आ रहा है, और 4G भी तो इंडिया में सभी जगह है भी नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इंजीनियर का हमेशा करियर बना रहेगा टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, तो आपको सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और डिपेंड करता है दोस्त आपके मेहनत के ऊपर, आप कितने वर्क करते हैं और कितना इसके अंदर में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बहुत सा इसमें डिपार्टमेंट है, बहुत सा काम है, ठीक है। और आपका फ्यूचर में आपको IoT आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, तो बहुत ही ऐसी चीज़ें है जो मतलब इंटीग्रेशन इंजीनियर का डिमांड रहेगा टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं, सोचना नहीं है दोस्त, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए एज इंटीग्रेशन इंजीनियर टेलीकॉम सेक्टर में। इंटीग्रेशन इंजीनियर की सैलरी क्या है इंडिया में दोस्त, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन इंजीनियर की सैलरी क्या है। आपका जो स्टार्टिंग जो सैलरी है आपका 3 लाख रहेगा, जो एवरेज है इंडिया में जो इंजीनियर को मिलता है अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद जो है आपका जो सैलरी है 3 लाख टू 10 लाख हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके लाइक एक्सपीरियंस कितना है और सर्टिफिकेशन और नॉलेज कितना है, इस पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि टेलीकॉम में जो कंपनी है जैसे एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, जियो हो गया, ठीक है, एमडॉक हो गया, बहुत सी ऐसी कंपनी है टेलीकॉम में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको 3 लाख देगा। फिर जो है आपको ईयर वाइज आपका जो इंसेंट आई मीन
जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है आप 5%, 10%, 15%, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं और ये जो इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो जो भी आपका सैलरी है पिछली कंपनी में उससे आपको 20% हाइक मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप ये जो इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो आपको एजुकेशन डिग्री बी बी टेक में आपको करना है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर से भी कर सकते हैं, फिर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से भी कर सकते हैं, और एजुकेशन डिग्री फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, और इसी इक्विवेलेंट जो भी है आई मीन डिपार्टमेंट उससे भी आप एज इंटीग्रेशन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। और अदर इंजीनियर कैन ज्वाइन इफ हैज टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो अदर डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियर है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास आई मीन टेलीकॉम सेक्टर का नॉलेज है तो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इंटीग्रेशन इंजीनियर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपने जाना और इसके करियर के बारे में जाना और इसके इसका इंटीग्रेशन इंजीनियर के सैलरी क्या है इंडिया में इसके बारे में भी जाना और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में आपने जाना। तो दोस्त आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।